शरारती टॉम सॉयर। ये एक नन्हे बच्चे का किस्सा है। उसका नाम टॉम सॉयर था। टॉम अपनी आंट पॉली के साथ एक छोटे से नगर में रहता था। आंट पॉली एक नेक खातून थी। वो टॉम से मोहब्बत करती थी और हमेशा उसके खैरियत चाहती थी, परंतु टॉम एक शरारती बच्चा था। टॉम, जागो, तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। क्या आपको इल्म नहीं है, आज स्कूल में छुट्टी है। मिस्टर स्नगल्स के वालिद गुजर गए हैं। हाय अल्लाह, क्या कहा, बेचारे मिस्टर स्नगल्स। हेलो जनाब स्नगल्स। ओह, मुझे आपके वालिद के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। उनकी रूह क्या सैर करने गए हैं? ओह, बहुत खूब, ये सेहत के लिए फायदेमंद होता है। दरअसल मेरे ख्याल से हम सबको सैर करने जाना चाहिए। ठीक है जनाब स्नगल्स, आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहती हूँ, अलविदा। क्या हुआ? ओह तुम, झूठ बोलने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? जनाब स्नगल्स के वालिद का इंतकाल नहीं हुआ है, वो बिल्कुल सेहतमंद हैं। खैर, मैंने ये नहीं कहा कि उनका इंतकाल हुआ है, मैंने ये कहा कि वो गुजर गए, किसी रास्ते से गुजरे होंगे। ओहो, मैं इस लड़के का क्या करूं? कितना खुशनुमा दिन है, इतने सुहाने मौसम में स्कूल कौन जाना चाहता है। कितनी खुशी होगी अगर वहाँ पर आंट पॉली ना हो मुझे कुछ भी करने से रोकने के लिए। मुझे इल्म है, मैं जाकर हक के साथ खेलूंगा और बाद में घर आ जाऊंगा। आंट पॉली को कभी भी इस बात की खबर नहीं लग पाएगी कि मैं स्कूल नहीं गया था। टॉम सॉयर, तुम्हारी आंटी पॉली कहाँ है? तुम्हें अपनी आंटी का घर नहीं छोड़ना चाहिए, अब मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा? रायन रेनल्स, तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे खौफ से छिप जाऊंगा? सुनो, तुम दोनों का मसला क्या है? लड़ना बंद करो, तुम एक दूसरे को जख्मी कर दोगे। ओ नहीं, मेरी पोशाक पूरी तरह मैली हो गई है। आंट पॉली को इल्म हो जाएगा कि मैं स्कूल से गैर हाजिर था। अब मैं क्या करूं? चुपके से जाऊंगा। टॉम, मुझे इल्म है ये तुम हो। ये ख्याल मन से निकाल देना कि मैं तुम्हें स्कूल से गैर हाजिर होने और रायन के साथ लड़ाई करने के लिए सजा नहीं दूंगी। तुम शरारती छोटे बच्चे, हफ्ते के आखिर में तुम चार दीवार की पेंटिंग करोगे। तुम्हारे लिए खेलने का कोई वक्त नहीं है। लेकिन उसने इसे शुरू किया था। एक भी लफ्ज नहीं टॉम, तुम चार दीवार की पेंटिंग करोगे, समझ गए? हाँ जी आंट पॉली। जब हफ्ते का अंत आया, टॉम ने चहर दीवारी की जानी देखा और हैरत में पड़ गया। क्या मुझे ये सब पेंट करना होगा? नहीं, मेरे मार्बल गेम और पैंडिट्स के गेम के बारे में क्या? ये सही नहीं है, इसलिए मुझे हक की जिंदगी मेरी जिंदगी से बेहतर लगती है। उसके वालिदैन नहीं है और उसे सजा देने वाला भी कोई भी नहीं है, अब मैं क्या करूँगा? लेकिन टॉम एक अक्लमंद बच्चा था, उसके पास एक तरकीब थी। ला 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 ला, एक मिनट, शायद मुझे इसमें मजा लेना चाहिए। क्या हुआ टॉम, फिर से सजा मिली? ला 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 ला, हम तुमसे बात कर रहे हैं टॉम। ओह हाय गाइस, माफ करना, मैं अपनी कारीगरी में मशगूल था। सजा मिलने पर तुम इतने खुश क्यों हो? क्या सजा? ये सजा नहीं है। तुमने कितने बच्चों को पेंटिंग करते हुए देखा है? इस शहर को कुछ रंगों की जरूरत है, तो मैंने इस शहर को फिर से सजाने की जिम्मेदारी खुद पर ले ली है। मैं इस चहर दीवारी से शुरू करूंगा, तुम सब जाकर अपने मार्बल गेम का लुत्फ ले सकते हो। मैं एक कलाकार हूँ और इस काम में मुझे बहुत मजा आता है। ला 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 ला, मैं भी एक कलाकार बनना चाहता हूँ, मुझे भी आजमाने दो। मुझे इल्म नहीं है, सब लोग कलाकार नहीं हो सकते। ओ चलो भी टॉम, हम तुम्हारे दोस्त हैं, है ना, मेहरबानी करके हमें भी आजमाने दो। पर ये बहुत ही अहम काम है, इस काम के एवज में तुम्हें मुझे कीमत देनी होगी।
चार दीवारी की पेंटिंग करने देने के एवज में टॉम के दोस्तों ने एक बार भी गौर किए बिना अपने खिलौने और चॉकलेट्स उसके हवाले कर दिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चे पेंटिंग करने के लिए आए और कुछ ही वक्त में पूरी चार दीवारी का काम मुकम्मल हो गया। देखा, हर कोई कुछ ऐसा करना चाहता है जिसके कुछ मायने हो। वो चार दीवारी को पेंटिंग करने जैसी बेवकूफी करने से भी गुरेज नहीं करते। ए अल्लाह, तुमने कुछ ही घंटों में ये सब मुकम्मल कर दिया। हाँ आंट पॉली, मैंने इस चार दीवारी के लिए बहुत मशक्कत की है। उफ, अब मैं थक गया हूँ, तो क्या अब मैं खेलने जा सकता हूँ? हाँ, मेरे ख्याल से। आह, मुझे हैरानी है कि इसने कैसे किया। हाय हक, हाय फिल, गौर फरमाओ, मैंने अपने खेलने के लिए नई जगह तलाश ली है। वहाँ पर स्कूल जाने के लिए और गुर्बे आफ्ताब से पहले घर आने के लिए कहने वाला कोई नहीं होगा। यकीनन, वो कौन सी जगह है? ये एक जजीरा है दरिया के उस तरफ। ओह वाओ, पर मेरी अम्मी वहाँ जाने के लिए मुझे इजाज़त नहीं देगी। काश मुझे हर बार उन्हें हर बात बताने की दरकार नहीं होती। खैर तुम मत बताओ, हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। हम सब अपने आप में ही बेहतरीन हैं। तीनों दोस्त रजामंद हो गए और बेड़े पर सवार होकर जजीरा के लिए रवाना हो गए। ये वही था जिसकी हमेशा उन्हें ख्वाहिश थी कि कोई भी उन्हें कहीं भी जाने और कुछ भी करने से मना न करे। वो खेलते और खेलते रहे जब तक उनका दिल भर नहीं गया। पहले उन्होंने फलों और कच्ची सब्जियों को खाया। ये लजीज है। वो इन्हें क्यों पकाते हैं? ये तो वक्त की बर्बादी है। दुरुस्त फरमाया, अगर सब लोग इसी तरह से सब्जियां खाएं जैसे हम खा रहे हैं तो इससे काफी वक्त बचेगा। सब लोग हमारी तरह अक्लमंद थोड़ी ना होते हैं। पर कुछ ही दिनों में खेलने की वजह से और फल और कच्ची सब्जियां खाने से, ओह मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही है। मेरा सिर घूम रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है? हमें भी बहुत अच्छा महसूस नहीं हो रहा। काश तुम दोनों के वालिदैन यहाँ होते तो उन्हें इल्म होता कि क्या करना है। दुरुस्त फरमाया, मुझे आंट पॉली की याद आ रही है। हमें तलाशते हुए यहाँ कोई क्यों नहीं आया? क्या उनको फिक्र नहीं? क्या तुम्हें मालूम नहीं, हमने किसी को नहीं बताया। उन्हें इसका इल्म नहीं कि हम यहाँ हैं। ओह हाँ, मालूम है। हम यहाँ पर बिना बताए क्यों चले आए? कितनी बड़ी नादानी की हमने। तुम उसकी बाबत दुरुस्त थे, हम बहुत नादान हैं। मैंने सोचा तुम्हारी तरह रहने में बड़ा लुत्फ आएगा हक। मैंने कभी इसे अकेले महसूस नहीं किया। वहाँ गाँव में हमेशा कोई होता है जो हमारी निगहबानी करता है। अब हम क्या करें दोस्तों? एक मिनट, हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए। हम अभी भी वापस जा सकते हैं, है ना? हम में से किसी को जाना चाहिए और जांच करनी चाहिए कि गांव में क्या हो रहा है। मैं उस बेड़े पर अकेले नहीं जा रहा हूँ, अगर मेरा इंतकाल हो गया तो। क्योंकि मैंने मशवरा दिया है तो मैं ही जाऊँगा और देखूंगा कि वहाँ पर कोई हमें याद कर रहा है या नहीं। टॉम ने अपने दोस्तों को अलविदा कहा और गांव के लिए निकल पड़ा। जब वो साहिल पर पहुंचा, उसने कुछ लोगों को गुफ्तगू करते हुए सुना। जैसे ही वो करीब गया, उसने आंट पॉली और फिल के वालिदा को रोते हुए देखा। ओह टॉम, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। ओह मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। बहुत दिन गुजर गए, अब और ज्यादा इंतजार करने के कोई मायने नहीं। हमने उन बच्चों की तलाश में दर्जनों जहाज भेजे, तो इस सब के सिर्फ एक ही मायने हैं। शायद वो दरिया में डूब गए हैं। जो किस्मत में है हमें उसे कबूल करना होगा। अब हम शायद उनसे कभी नहीं मिल पाएंगे। हमें उन तीनों के लिए आखिरी रसूम और मातम पूर्सी का बंदोबस्त करना चाहिए। यह हमारा गुनाह है, हमें और ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए थी। टॉम, हक, फिल बहुत नेक बच्चे थे, बेचारे वो छोटे बच्चे थे।
ओह नहीं, ये हमने क्या किया? हमें फौरन वापस जाना होगा। क्या हुआ टॉम? क्या कोई भी हमें याद नहीं कर रहा है? हाँ टॉम, मेरी वालिदा कैसी थी? फिल, तुम्हारी वालिदा तुम्हारा बहुत ख्याल करती हैं, और यहाँ तक कि आंट पॉली भी, पूरा गांव तुम्हारा ख्याल करता है। वो सोचते हैं कि हम डूब गए हैं, वो हम सबकी आखिरी रसूम करने वाले हैं। उन्होंने हमें तलाशने के लिए दर्जनों जहाजें भेजी हैं। ओह, मैं बहुत खौफजदा हूँ। हाँ, इसमें कोई हैरानी नहीं कि मेरी वालिदा सोचे कि मैं गैर जिम्मेदार हूँ। हमने उनको नाखुश किया है। सही कहा, आंट पॉली हमें इस तरह से कभी नहीं छोड़ेंगी। हमारे वालिदैन को इल्म है कि हम भी उनके जाने फिक्रमंद होंगे जैसे वो हमारे जाने होते हैं। वो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं गुनहगार महसूस कर रहा हूँ। मैं भी। दोस्तों, अब हमें वापस जाना ही होगा। मुझे गांव की याद आ रही है। ओह, सोचो कि क्या होगा अगर उन्हें मालूम पड़ेगा कि हमने क्या किया है। एक मिनट, उन्हें जानने की जरूरत नहीं है। हम बस कह देंगे कि हम दरिया में फिसल गए थे। पानी का बहाव हमें इस जजीरे पर ले आया और हमने वापस आने के लिए एक बेड़ा बनाया। वो तुम्हारे वालिदैन हैं, उन्हें इसका पूरा इल्म है कि तुम बेड़ा नहीं बना सकते। हमें कोशिश तो करनी होगी। ये इससे तो बेहतर है कि वो हमें समझे कि हम खुदगर्ज और गैर जिम्मेदार थे, है ना? एक मिनट, कल हमारी आखिरी रसूम है। चलते हैं और सबको हैरत में डालते हैं। ओह हाँ, मुझे ये मंसूबा पसंद है। मुझे भी ये मंसूबा पसंद है। मैं खुदगर्ज और गैर जिम्मेदार नहीं हूँ। ये दरिया अल्लाह की मेहरबानी है कि ये बात नहीं कर सकती। उनकी रूह को सुकून हासिल हो। तुम सब कहाँ थे? हम सब कितने फिक्रमंद थे। दरिया ने बेड़ा बनाया और जजीरा हमारे पास आया और हम भागे और फिर बस क्या? बकवास बंद करो फिल। हम सब माफी चाहते हैं। जो फिल कहना चाहता है वो ये है कि मेहरबानी करके हमसे नफरत ना करें। ओह मेरे बच्चों, वालदेन अपने बच्चों से कभी भी नफरत नहीं करते। जो मायने रखता है वो ये है कि तुम सब लोग सही सलामत हो। हाँ हक, आज से तुम हमारे और टॉम के साथ रहोगे। आज से तुम भी हमारे बेटे हो। यकीनन। ओह, पर तुम तो अकेले रहना चाहते हो। नहीं, कभी नहीं। मुझे इल्म है कि वालिदैन कितने अहम होते हैं। मैं अपनी पूरी जिंदगी उनके बिना रहा। दुरुस्त फरमाया, मैं कुछ दिनों के लिए भी तन्हा नहीं रह सकता। हम जानते हैं कि वालिदैन कितने अहम होते हैं। हम सब माफी चाहते हैं। हम सब आपसे मोहब्बत करते हैं। हम भी तुमसे मोहब्बत करते हैं बच्चों।